लो मेरे प्यारे दोस्तों, आज का सवाल बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। टेंजेंट्स एंड नॉर्मल का टॉपिक है और क्वेश्चन नंबर आप देख रहे होंगे, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन कुछ इस तरह से है कि प्रूव दैट दीज टू कर्व्स एट कट एट राइट एंगल, दोनों अगर एक दूसरे पे को राइट एंगल पे कट करते हों, यानी दोनों एक दूसरे को राइट एंगल, क्या कुछ इस तरह का फिगर होगा कि दोनों एक दूसरे को राइट एंगल पे कट करते हैं, तो ये इसकी टेंजेंट होगी, ये इसकी टेंजेंट होगी और दोनों के बीच का एंगल होगा 90 डिग्री। ये हमें दिया हुआ है, लेकिन हमें कौन से पॉइंट पे, यहाँ पे जो अल्फा बीटा होता है, जो दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट होता है, वो पॉइंट नहीं दिया हुआ है। तो उस पॉइंट को निकालने के लिए पहले हम इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे। बहुत शानदार क्वेश्चन है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है टेंजेंट्स एंड नॉर्मल का। अगर इसका लॉजिक आपको समझ आ गया तो ऐसे और भी कोई क्वेश्चंस आप कर सकते हैं। अगर आप इसके आगे के पीछे के इस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस देखना चाहते हैं, उन सारे क्वेश्चंस को देखना चाहते हैं जो एग्जाम्पलर के हैं या जो प्रीवियस ईयर्स में एग्ज़ाम्स में आए हुए हैं, एनसीईआरटी में नहीं है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, लिंक क्लिक करें और ज़रूर से देखें। तो देखते हैं, x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर मान लीजिए कि आपका इक्वेशन वन है और दूसरा इक्वेशन है आपका एक्स वाई इज इक्वल टू के। तो सबसे पहले हमें दोस्तों इसका इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना होगा। इंटरसेक्शन पॉइंट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, x की वैल्यू यहाँ से हम यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज़ करके इंटरसेक्शन पॉइंट्स निकालते हैं। तो ये आ जाएगा आपके पास वाई क्यूब इज इक्वल टू के। तो वाई क्यूब अगर k है तो y की वैल्यू क्या होगी दोस्तों, के टू द पावर 1/3। अगर दोनों साइड हम क्यूब रूट ले लेंगे, अब y की वैल्यू इसमें डाल देते हैं, पुटिंग इन वन, मैं वन में पुट करता हूँ, पुटिंग इन वन, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, वाई स्क्वायर। तो y की वैल्यू k टू द पावर 1/3 है, तो k टू द पावर 1/3 का स्क्वायर ये हो जाएगा k टू द पावर 1/3 इंटू टू, यानी k टू द पावर 2/3। तो आपका पॉइंट आ गया है दोस्तों, क्या आ गया आपका पॉइंट, इंटरसेक्शन पॉइंट इज, इंटरसेक्शन पॉइंट के टू द पावर 2/3 कॉमा के टू द पावर 1/3, ये आपका इंटरसेक्शन पॉइंट है। अब अगर ये दोनों एक दूसरे को राइट एंगल पे कट करते हैं, तो आपको याद होगा कि अगर इसका स्लोप m1 है, एक का स्लोप m2 है, तो प्रोडक्ट ऑफ स्लोप्स कितना होगा, प्रोडक्ट ऑफ स्लोप्स -1 होगा। लेकिन यहाँ स्लोप निकालने के तरीके आपको मालूम है, यहाँ dy by dx की हेल्प से स्लोप निकलते हैं, तो आप इसको डिफ्रेंशिएट कर दें विद रिस्पेक्ट टू x, ये आ जाएगा आपका dy by dx। अब दोनों ही dy by dx हैं, आप इसको भी डिफ्रेंशिएट करेंगे तो भी dy by dx आएगा। तो इस बात को अलग करने के लिए कि हम ये पहले का है और वो दूसरे का है, तो इसको मैं 1 लिख देता हूँ, इस वाले dy by dx को 2 लिखेंगे, x का 1, y कांस्टेंट, x कांस्टेंट, y का डिफ्रेंशिएशन dy by dx, और ये सेकेंड है, राइट साइड का डेरिवेटिव 0। इससे dy by dx का वैल्यू निकाल लें आप, 1/2y, इससे भी निकाल लें dy by dx का वैल्यू, आ जाएगा -y/x। लेकिन हमें पॉइंट निकालना है, तो पॉइंट क्या है, पॉइंट पे निकालना है, तो पॉइंट आपका क्या है, एट k टू द पावर 2/3 कॉमा k टू द पावर 1/3। तो ये आ जाएगा आपका dy by dx k टू द पावर 2/3 k टू द पावर 1/3 इज इक्वल टू 1/2k टू द पावर 1/3। इसमें भी रख दीजिए आप dy by dx k टू द पावर 2/3 k टू द पावर 1/3 इज इक्वल टू माइनस
के टू द पावर 1/3 अपॉन के टू द पावर 2/3। अब सिंस दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, मीन सिंस दे आर कटिंग एट राइट एंगल्स, तो दोनों एक दूसरे को राइट एंगल पे कट कर रहे हैं। सिंस द कर्व्स टेंजेंट्स टू द कर्व्स, ऐसा लिख दें तो अच्छा रहेगा, सिंस द टेंजेंट्स टू द कर्व्स कट एट राइट एंगल्स, देयरफोर dy by dx ऑफ फर्स्ट, जिसको m1 कहते हैं, और पॉइंट सेम होगा, ये 1 है ये 2 है, पॉइंट सेम k टू द पावर 2/3 कॉमा k टू द पावर 1/3 इन टू dy by dx ऑफ सेकेंड, सेम पॉइंट k टू द पावर 2/3 कॉमा k टू द पावर 1/3 इज इक्वल टू -1, ये दोनों के लिए सेम रहेंगे पॉइंट। इसको m1 समझिए, इसको m2 समझिए, m1 इंटू m2 की वैल्यू -1 है। अब दोनों की मैं वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ, तो दोनों की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, देखिए क्या होता है। तो पहले की वैल्यू है 1 अपॉन 2 के टू द पावर 1/3, दूसरे की वैल्यू है माइनस के टू द पावर 1/3 अपॉन k टू द पावर 2/3 इज इक्वल टू -1, ये माइनस से माइनस कैंसिल, k टू द पावर 1/3 से ये कैंसिल, तो ये हो जाएगा 1 इज इक्वल टू ट्वाइस k टू द पावर 2/3। अब दोनों साइड क्यूब कर देते हैं, तो क्यूबिंग बोथ साइड्स, तो जब दोनों साइड क्यूब करेंगे तो ये हो जाएगा 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, और इसका क्यूब हो जाएगा 2/3 होल क्यूब, ये 3 से 3 कैंसिल, तो ये आ जाएगा आपका 1 इज इक्वल टू 8k स्क्वायर, हैंस प्रूव्ड, यही हमें प्रूव करना था। तो दोस्तों ये था इस क्वेश्चन का सलूशन, बहुत इम्पॉर्टेंट और टॉप ग्रेड प्रॉब्लम है, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो उसको इस तरीके से डील करना है। कभी कभी ऐसा होता है टेंजेंट्स टू द कर्व्स एट राइट एंगल्स इंटरसेक्ट एट राइट एंगल, जब दोनों की टेंजेंट एक दूसरे को राइट एंगल पे इंटरसेक्ट करें, तो ऐसे केसेस में कर्व्स को ऑर्थोगोनल कर्व्स कहा जाता है। तो ये एक वर्ड है, आप ध्यान रखिएगा, ऑर्थोगोनल, ऑर्थोगोनल जब कर्व्स होते हैं तब उनकी टेंजेंट्स एक दूसरे को राइट एंगल पे इंटरसेक्ट करती है, तो इस बात को ध्यान रखना, कभी कभी राइट एंगल की जगह ऑर्थोगोनल वर्ड का यूज़ करेंगे तो उसका और इसका सलूशन एक जैसा होता है, उसमें कोई चेंज नहीं है। इसमें टेंजेंट्स राइट एंगल्स पे होती हैं, कभी कभी लिख देते हैं कि कर्व्स इंटरसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स, और कभी लिखते हैं कर्व्स आर ऑर्थोगोनल। तो होपफुली दोस्तों समझ में आया होगा, अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो, डाउट हो, तो आप मेरे इस नंबर पे मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं और अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं। आप किस प्रकार की मदद चाहते हैं मुझे ज़रूर बताइए, मेरी इच्छा है कि आप आगे बढ़ें, देश आगे बढ़े, और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। विश यू ऑल द बेस्ट।